न्याय के देवता शनिदेव व्यक्ति को उनके कर्मों के आधार पर अच्छा या बुरा फल प्रदान करते हैं। शनिदेव किसी भी राशि में धीमी गति से चलते हैं। वह एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं, लेकिन अपने समय पर वह कुछ राशियों में बकरी भी होते हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज वाठक ने लोकल 18 को बताया कि शनिदेव इस समय कुंभ राशि में विराजमान है। इसके साथ ही वह 29 जून को इस राशि में बकरी होने जा रहे हैं। शनि 15 नवंबर तक इसी राशि में उल्टी चाल चलेंगे। शनि की बकरी अवस्था को अशुभ माना जाता है। इस समय कुछ राशियों के जातकों को वित्तीय परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसी कई समस्याएं पड़ने वाली हैं। शनिदेव 29 जून को बकरी होने जा रहे हैं। शनि की यह उल्टी चाल जो है कुछ राशियों के लिए भारी पड़ती दिखाई दे रही है, अर्थात कुछ राशियों के लिए यह समय जो है वित्तीय रूप से, आर्थिक रूप से और पारिवारिक रूप से, स्वास्थ्य संबंधित इत्यादि अनेक परेशानियां शनि के द्वारा चार राशियों को होने जा रही है। 135 दिन तक शनि जो है उल्टी चाल चलेंगे, अर्थात 135 दिन तक शनि जो है वह बकरी अवस्था में रहेंगे। 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनि की यह स्थिति रहेगी, यह शनि की चाल रहेगी। तो उनमें प्रमुख जो राशियां हैं उनके विषय में हम चर्चा करते हैं। मेष राशि के लिए शनि की यह बकरी अवस्था ठीक नहीं है, अशुभ स्थिति रहेगी, कार्यों में बाधा आएगी, कानूनी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, आर्थिक परेशानी, पति पत्नी में विवाद और शारीरिक कष्ट भी इनको रह सकता है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए भी कार्य क्षेत्र में बाधा रहेगी, जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा, आर्थिक संकट रहेंगे, ऋण की बढ़ोतरी हो सकती है और तनाव की स्थिति वृषभ राशि के जातकों के लिए बनेगी। तीसरी राशि है मकर राशि। मकर राशि के लिए आर्थिक नुकसान रहेगा, व्यापार में नुकसान रहेगा, धन की हानि होगी, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी रहेगी। और चौथी राशि है कुंभ राशि। इनको शारीरिक मानसिक कष्ट रहेगा, धन की हानि रहेगी, व्यापार व्यवसाय में भी इनको नुकसान होगा।